अनुष्का, आई स्टडी इन क्लास 5th। आज मैं आपको बाल गंगाधर तिलक के बारे में बता रही हूँ, जिन्होंने कहा है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक एक भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। वे भारत की आज़ादी की लड़ाई के पहले लोकप्रिय नेता हुए। इनका मूल नाम गंगाधर तिलक था। इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के गांव में हुआ। गांधी जी ने इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। लोकमान्य तिलक ने देश के लिए स्वदेशी, स्वराज और शिक्षा जैसे मुद्दे उठाए थे। इन्होंने जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव के खिलाफ भी संघर्ष किया था। मैं आपको उनके जीवन की एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं और बाल गंगाधर तिलक और उनके दोस्त दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तो शिक्षक बोलते हैं, खड़े हो और बताओ कि मैंने क्या पढ़ाया है। तो बाल गंगाधर तिलक सब कुछ बता देते हैं, पर उनके दोस्त नहीं बता पाते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक को बिठा दिया जाता है और उनके दोस्त को खड़ा कर दिया जाता है। तो फिर बाल गंगाधर सोचते हैं कि मेरे वजह से मेरा दोस्त को दंड पड़ा है। फिर मैं उन्हें सच्चाई बताते हैं वो शिक्षक को सच्चाई बताता है कि मैं भी बात कर रहा था, सिर्फ वो ही नहीं, मैं भी बात कर रहा था। तो फिर वो कहते हैं कि आप तो फिर वो कहते हैं कि आपने कैसे बताया, अगर वो भी बात कर रहे थे और आप भी बात कर रहे थे तो आपने पाठ कैसे समझा दिया। तो वो बोलते हैं कि जो मैं सुनता हूँ वो मेरे दिमाग में मुझे वो याद हो जाता है। तो वो बोलते हैं कि आप तो बुद्धिमान हैं, पर बाकी के क्लास वाले बच्चे और उनके दोस्त वो बुद्धिमान, इतने ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हुए। तो वो कहते हैं कि तुम अगर वो बात नहीं करोगे और ऐसी चीज़ें नहीं करोगे, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दोगे, तो वो भी तुम्हारे साथ साथ पढ़ाई पे ध्यान देंगे। तो वो ऐसे ही समझदारी, बुद्धिमानी के बल पर वो इतने बड़े समझदार इंसान बने। थैंक यू।